शकील भाई कह रहे हैं कि हमारा दुकान तो चर्चित रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना हुआ जनता का कहना हुआ कि आप चुनाव में आइए और उसी मुद्दे पर मैं चुनाव में लड़ रहा हूं। सर आप ये बताइए कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि फतेहपुर के एक डिजिटल नगर पंचायत बनाने का नमस्कार आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज़ मैं हूँ मनोज कुमार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है पहला चरण का चुनाव हो चुका है उसका परिणाम भी आ चुका है और दूसरा चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होना है उसी सिलसिले में आज मैं पहुंचा हूं फतेहपुर नगर पंचायत में अभी फ़िलहाल मैं झंडा चौक में मौजूद हूँ यहाँ पर एक पार्षद का प्रत्याशी हैं मैं उनके पास सीधे आपको लिए चलता हूँ आप अपना पर्चे देंगे सर जी मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है और मैं फतेहपुर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद में हम लड़ रहे हैं क्या आप इसके पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं ये मेरा चुनाव पहली बार है कभी नहीं लड़े हैं इसके पहले क्या करते थे आप बस मैं एक बिजनेसमैन मैन थे दुकान अधिक फोटोग्राफर मैं हूँ क्या नाम है आपका दुकान का जी सहेली स्टूडियो और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ सहेली स्टूडियो फतेहपुर में तो काफ़ी चर्चित दुकान रही है ये अचानक आप दुकान छोड़ करके राजनीतिक में क्यों आ गए जी हम कुछ समाज के लिए अपना कुछ काम करना चाहते हैं समाज में यहाँ बहुत सारे लोग परेशान और गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं और उसकी गरीबी को देख के मजबूरी को देख के हमको कदम उठाना पड़ा हमारे जो मित्र लोग हैं बहुत सारे मित्र लोग हमें बोला शकील भाई आपसे बेहतर कोई इंसान हमको नज़र नहीं आ रहा है आप इलेक्शन लड़िए नगर पंचायत का हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा और ए, आप एक समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि शकील भाई कह रहे हैं कि हमारा दुकान तो चर्चित रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना हुआ जनता का कहना हुआ कि आप चुनाव में आइए और उसी मुद्दे पर मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ सर आप ये बताइए कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि फतेहपुर के एक डिजिटल नगर पंचायत बनाने का और यहाँ पे जितने बेरोजगार बहुत सारी बेरोजगारी है हमारे फतेहपुर नगर पंचायत में और सड़क भी बहुत एकदम दुर्भाग्य सड़क का समझिए कि बहुत ऐसे जगह पे सड़क नहीं है यहाँ जी और यहाँ पे गरीबी बहुत है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं जैसे हमारे झंडा चौक पे एक फतेहपुर नगर पंचायत में आपको शौचालय का बहुत ज़रूरी है जो महिलाएं लोग मार्केट में आती है उसके लिए एक शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है हमारे झंडा चौक के पास जी और बहुत सारे जितने भी हमारे जो फुटपाथी लोग बैठते हैं उनके लिए एक नगर निगम का एक दुकान का होना बहुत ज़रूरी है का सब लोग रोड पर एक अतिक्रमण के तौर पर बैठते हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए और प्लस उनको एक दुकान मिलना चाहिए उन लोगों को नगर पंचायत के अनुसार देखिए शकील भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे रोड जो है वो काफ़ी जर्जर है और महिला लोग बाहर से मार्केट करने के लिए आती है तो मोड़ पे शौचालय नहीं है तो उसके लिए भी ये वादा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक शौचालय बनवाऊँगा और शकील भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे तो नेता लोग बहुत वादा करते हैं पर वादा से मुकर जाते हैं अगर जीत जाते हैं चुनाव तो जनता से मिलने तक भी इनकार करते हैं क्या आप भी ऐसा करेंगे नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा मैं हंड्रेड टेन परसेंट बोलता हूँ कि हम एकदम निष्पक्ष रूप से काम करूँगा और सभी को मेरे एक जैसे एक जैसा सम्मान देंगे कोई भी मेरे पास गरीब अमीर कोई भी आवे मेरा चुनाव चिन्ह है इंसाफ़ के तराजू जान लीजिए तराजू ही मेरा चुनाव चिन्ह है जी आप समझ सकते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह है तराजू छाप और ये इंसाफ का आप इंसाफ के घर में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे एक इंसाफ का तराजू लटका होता है और वही इनका भाग्य में तराजू चुनाव चिन्ह निशान आया है आइए मैं शकील भाई से बात करता हूँ कि आप चुनाव जीतेंगे तो फतेहपुर को कैसा बनाएंगे साफ अच्छा और एक स्वच्छ फतेहपुर बनाना चाहते हैं बिल्कुल स्वच्छ बनाना चाहते हैं स्वच्छ भारत की ओर ले जाएंगे और फतेहपुर को डिजिटल बनाएंगे ये इनका वादा है और शकील भाई एक सवाल और है मेरा आपसे कि अगर अगर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गरीबों के लिए क्या करेंगे पहले तो हम गरीब मज़दूर के लिए बहुत सारे काम है जैसे बहुत लोग वृद्धा पेंशन हो विधवा पेंशन हो विकलांग पेंशन हो इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं राशन कार्ड के वजह से लोग बहुत परेशान है बहुत सारे लोग को अभी राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है उसके लिए हम सोचते हैं वार्ड बाई वार्ड एक कैंप लगा करके अपने जितने भी गरीब लोग हैं जो विधवा पेंशन है विकलांग है उसके लिए वाड़ वाड़ एक वार्ड बाई वार्ड एक कैंप लगा करके हम काम करने का काम करेंगे और हम हर वार्ड में एक आपको मोहल्ला क्लिनिक का जरूर खुलवाएंगे बहुत बहुत बधाई हो इनको तो जीत मिलनी ही चाहिए बहुत ही शानदार इनका सोच है फतेहपुर के लिए शकील भाई मैं कहना चाहूँगा आप मेरा चैनल के माध्यम से आप मतदाता भाई लोगों से मतदाता मालिकों से आप अपील कर सकते हैं वोट के लिए जी भाई हम हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि एक बार आप हमको आप लोग निष्पक्ष रूप में वोट करिए शकील भाई हर वक्त खारा उतरेगा चलिए अब बगल में इनके सहयोगी हैं या इनके समर्थक कहिए मैं चलिए सीधे उनके पास ले चलता हूं, उनसे कुछ राय जानता हूँ परिचय दीजिए मोहम्मद शफी ऐसे प्यार से लोग बिट्टू कहते हैं तो इतना सारा जो भीड़ दिखाए हैं आप लोग इनके चुनाव में तो सिर्फ भीड़ दिखाए ना इसको आप लोग वोट में तब्दील करेंगे एकदम वोट में तब्दील होगा परचून मात्रा से जीतेंगे इनकी विजय होगी इनकी विजय होगी चलिए एक और है चाचा जी मैं सीधे आपको उनके पास लिए चलता हूँ चाचा जी परिचय दे अपना मेरा नाम दीबंधु सिंह है और ये शकील भाई जो खड़ा हुए हैं ये बहुत जुझारू और फाइटर के रूप में आए हैं बहुत लोग आए बहुत लोग गए विकास जीरो रहा यहाँ का इस बार ये आए हैं विकास के मुद्दे पर और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विकास करेंगे इस बार अब विकास ही इनका मुद्दा है विकासीन का मुद्दा है ये कह रहे हैं और चाचा जी आप ये बताएंगे कि चुनाव प्रचार के लिए क्या आप इनको फुल बहुमत से समर्थन कर रहे हैं ये फुल बहुमत से नहीं फुल बहुमत से ये जीत रहे हैं अच्छा ऐसा जनता का आपको आश्वासन मिला है।, है फुल बहुमत से आ रहे हैं ये, ये फील्ड में फुल बहुमत से जीत रहे हैं इसमें कहीं को दो मत की बात नहीं है क्योंकि ये इनके ऐसा ईमानदार करमठ जुझारू कोई है ही नहीं इनके अलावा अगर आप वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के पास तो आप क्या उन्हें कहते हैं क्या कह कर के वोट मांगते हैं आप हम मैं तो कैंडिडेट हूँ नहीं कैंडिडेट तो कोई और है मैं तो वोटर हूँ तो मैं तो वोटर हूँ मैं तो सपोर्ट करूँगा कि ये फुल बहुमत से आए अच्छे नेता के रूप में उभरे अभी उम्र कम है अच्छे उभरे फिर भी आपके पास तजुर्बा ज़्यादा है तो जनता को तो लुभाते होंगे कुछ कहते होंगे कि आप शकील भाई को वोट करिए ऐसा तो कुछ कहते होंगे आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें सबसे कर्मठ हैं सुजोग हैं बुद्धिजीवी हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो वोट नहीं मिलेगा तो क्या चोर पॉकेट माल फर को वोट मिलेगा ऐसे आदमी को आना चाहिए आएंगे तभी विकास होगा वरना कभी विकास नहीं होगी देखिए चाचा जी कह रहे हैं कि काफ़ी ईमानदार उम्मीदवार हैं और इनको तो वोट मिलनी ही चाहिए आइए एक और चाचा जी हैं मैं उनसे बात करता हूँ चाचा जी आप अपना परिचय दीजिए मेरा परिचय मेरा नाम मनोज कुमार है जी तो आप शकील भाई को चुनाव में पुरजोर मदद कर रहे हैं पुरजोर मदद भी है और शकील भाई निर्विरोध नि क्लियर है जीत गए हैं समझे कि नहीं इसमें कोई तो आपत्ति नहीं है ये आप कह रहे हैं या पूरा जनता कह रही है ये हमारा भी ओपिनियन है पूरी जनता का भी ओपिनियन है पूरी जनता कह चुकी है कि ये क्लियर हो चुके हैं टेबल इंत काम है आधे तो काम तो बढ़ाना पब्लिक से और यहाँ से जो भी मैंने पब्लिक हैं उन लोगों के बीच में जाए और अपना जो है अधिकार लें आइए एक बार फिर मैं आपको शकील भाई के पास ले चलता हूँ और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि शकील भाई आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम निष्पक्ष होकर के आप वोट करें और हम पे एक बार काम करने की मौका दें चलिए अब ये तो 28 तारीख को ही पता चलेगा कि नए साल 2023 में जीत का सहरा किसके सर बनता है तब तक आप देखते रहिए मगध लाइव फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेसबुक पर देख रहे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें